हाय फ्रेंड्स, पुष्पा टॉपर सेकेंडरी में आपका स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया था, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन पे, और आज हम स्ट्रेट लाइन के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through a fixed point with position vector t and parallel to given vector b। चलिए देखिए, ये हमारा है, हम एक्सेसेस पे चलेंगे। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। अब हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। ये कोई दिया हुआ है फिक्स पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ए, एंड पैरेलल टू अ लाइन बी। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी लाइन है, इसी लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है। ये हमारा क्या है, रेडियस वेक्टर है। ये क्या है, रेडियस वेक्टर है। ये कोई पोजीशन वेक्टर ए है, ये ओरिजिन है, ओ ए इक्वल टू ए एंड ओ पी इक्वल टू आर। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर मैं लिखूं, अगर हम ए पी की वैल्यू लिखें, ए पी, तो ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर माइनस ए। ए पी इक्वल टू आर माइनस ए, और ए पी, ए पी इज अ लाइन दैट इज पैरेलल टू बी। तो वी कैन राइट लैम्डा बी, लैम्डा बी इक्वल टू आर माइनस ए। This implies that R equal to A plus lambda B. This is the equation of a straight line which passing through a fixed point A and parallel to vector B. अब इसी का हम कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। कार्टेशियन of a straight line passing through x1 y1 z1 and proportional to the vector, proportional to direction ratio a b c equal to x minus x1 by a equal to y minus y1 by b equal to z minus z1 by c। This is the equation of a straight line which passes through the point x1, y1 and z1. चलिए आगे देखते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इक्वेशन ऑफ, सॉरी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू एक्स वन
y1 z1 equal to is x minus x1 by a is equal to y minus y1 by b equal to z minus z1 by c. This is called the symmetrical form of a straight line. This is called symmetrical form. Symmetrical form of line, straight line. ऐसे मैं लिख दे रही हूँ शॉर्ट में. अब चलिए देखते हैं कि ये symmetrical form है और सारे रेशियो क्या है, बराबर है. अगर हम लेते हैं कि इसके इक्वल टू लैम्डा ले लेते हैं, x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी इक्वल टू लैम्डा. तो हम देखते हैं यहाँ से कि x इक्वल टू ए लैम्डा प्लस एक्स वन. फ्रॉम हियर x इक्वल टू ए लैम्डा प्लस एक्स वन, y इक्वल टू बी लैम्डा प्लस y1 एंड z इज इक्वल टू सी लैम्डा प्लस z1. ये हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है एंड दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म. पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन. इफ l m n आर द डायरेक्शन कोसाइन, l m एंड n आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन एंड डायरेक्शन कोसाइन इज प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन रेशियो. इसको मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, आप उसे देखिएगा. दिस इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियो. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वल टू x minus x1 by L equal to y minus y1 by M equal to z minus z1 by N. चलिए अभी कई रिमार्क हैं, इसको भी हम देखते जाते हैं क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक क्वेश्चन नहीं लग पाएंगे. तो हम कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे और अपना पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा. चलिए एक रिमार्क और देखते हैं. If x, y and z are axes and line pass through origin, that is 0, 0, 0. Therefore, direction cosine of line R. Therefore, direction cosine of line R 1, 0, 0, 0, 1, 0 and 0, 0, 1. आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं कि x axis, y एक्सिस एंड z एक्सिस. अगर हम यहाँ पे चलेंगे वन यूनिट तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, y एक्सिस पे, x एक्सिस पे अगर हम चलेंगे तो 1, 0, 0 हो जाएगा. y एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट रहेगा तो x 0 हो जाएगा, y हो जाएगा और z भी 0 हो जाएगा. z पे चलेंगे तो x y 0 और ये हमारा इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा. तो अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हम निकालेंगे तो x एक्सिस देखिए क्या हो जाएगा. x एक्सिस पर x माइनस 0 बाई 1 इक्वल टू y माइनस 0 बाई 0 इक्वल टू z माइनस 0 बाई 0, डेट इज y एंड z इक्वल टू 0 ऑन द x एक्सिस. y एक्सिस को कोऑर्डिनेट देखेंगे, y एक्सिस x माइनस 0 बाई 0 इक्वल टू y माइनस 0 बाई 1 इक्वल टू z माइनस 0 बाई 0, डेट इज y एक्सिस पर x इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0. ऑन z एक्सिस x माइनस 0 बाई 0, y माइनस 0 बाई 0
एंड जेड माइनस जीरो बाई वन, यानी जेड एक्सिस पे हमें क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू जीरो मिल गया और वाई इक्वल टू भी क्या मिल गया, जीरो मिल गया। तो ये हमें एक्सेसिस का इक्वेशन मिल गया। चलिए आगे करते हैं, थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा लेकिन क्या करें, स्ट्रेट लाइन ही करना तो पड़ेगा, कॉन्सेप्ट तो समझना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन एंड एक्स टू वाई टू जेड टू। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई जेड टू माइनस जेड वन। ये हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है विच पासिस थ्रू टू पॉइंट, ये कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन। अगर इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट वेक्टर फॉर्म, तो ये इक्वेशन हमारा चेंज हो जाएगा, आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी माइनस ए। अब हम लोगों ने काफ़ी फॉर्मूला देख लिया है, इस पर क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको कहीं आएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जैसे ये वेक्टर फॉर्म में दे देगा और इसका रिडक्शन दे देगा कि कार्टेशियन फॉर्म में आप निकालिए, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा और आ जाएगा कि रिड्यूस इन वेक्टर फॉर्म। तो अब हम कुछ क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन के थ्रू हम लेसन को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2i माइनस j प्लस 4k एंड इन द डायरेक्शन i प्लस j माइनस 2k। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन पॉइंट, तो इसके लिए मैंने इक्वेशन क्या बताया था कि r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा R इक्वल टू ए, ए की जगह पे ये पॉइंट है हमारा 2i माइनस j प्लस 4k प्लस लैम्डा b i प्लस j माइनस 2k। ये तो हमारा जो क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन होगा, लेकिन अगर इसी में आपसे पूछ दिया जाए रिड्यूस इन कार्टेशियन फॉर्म तब क्या करेंगे, देखिए इसको हम आगे बताते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे r है, r रेडियस वेक्टर है, इसको हम हमेशा ये मान लेंगे कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू आई के कोऑर्डिनेट को एक साथ कीजिए 2 प्लस लैम्डा इंटू आई, यहाँ से क्या मिला माइनस वन प्लस लैम्डा इंटू जे एंड 4 प्लस एंड 4 माइनस 2 लैम्डा इंटू के। इक्वेटिंग द कोफिशियंट ऑफ आई जे एंड के, आई जे और के कोफिशियंट को हम क्या करेंगे इक्वेट करेंगे, तो यहां से मिला क्या x इक्वल टू लैम्डा प्लस 2, y इक्वल टू माइनस 1 प्लस लैम्डा एंड z इक्वल टू 4 माइनस 2 लैम्डा। यहां से देखिए I का कोफिशियंट लैम्डा प्लस 2, यहाँ पे I का कोफिशियंट x, यहाँ पे j का कोफिशियंट माइनस 1 प्लस लैम्डा,
ये हो गया y इक्वल टू माइनस वन प्लस लैम्डा एंड k का कोफिशिएंट क्या है 4 माइनस टू लैम्डा दैट इज z इक्वल टू 4 माइनस टू लैम्डा. अब ये जो हमारे इक्वेशन आगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों से हम लैम्डा के अलग अलग वैल्यू निकालेंगे. देखिए यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई x माइनस टू, इस इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई y प्लस वन एंड इक्वेशन नंबर 3 से लैम्डा की वैल्यू हो गई लैम्डा इक्वल टू z माइनस 4 y माइनस 2. ये इक्वेशन लैम्डा है, सभी वैल्यू को हम क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे. तो देखिए हमें मिला क्या कि x माइनस 2 by 1 इक्वल टू y प्लस 1 by 1 इक्वल टू z माइनस 4 by -2 विच इज द सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन और कार्टेशियन फॉर्म. इस इक्वेशन को देखिए हमने वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकाला और उसको फिर हमने क्या किया सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज कर दिया. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिमेट्रिकल फॉर्म. इक्वेशन इज सिमेट्रिकल फॉर्म. ओके इसे देख लीजिए फिर आगे क्वेश्चन और करते हैं. चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं. फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 -1 3 4 2 1 एंड रिड्यूस टू वेक्टर फॉर्म. इसके पहले हमने जो क्वेश्चन देखा था उसको हमने वेक्टर इक्वेशन में निकाला था और कार्टेशियन फॉर्म में चेंज किया था. अब हम कार्टेशियन फॉर्म में निकालेंगे और वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स इक्वल टू आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है कि x माइनस x1 by x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 by y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 by z2 माइनस z1. ये फॉर्मूला पढ़ा है इसी को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे. तो x माइनस x1 x1 y1 z1 x माइनस टू x2 माइनस x1 दैट इज 4 माइनस 2 इक्वल टू y माइनस y1 y माइनस y1 दैट इज y प्लस 1 y2 माइनस y1 2 माइनस माइनस 1 करेंगे तो 2 माइनस माइनस 1 3 हो जाएगा एंड z माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3. इसको देखिए x माइनस 2 by 2 इक्वल टू y प्लस 1 by 3 इक्वल टू z माइनस 3 by माइनस 2. ये तो हमें क्वेश्चन निकल गया इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट. अब इस इक्वेशन को हमें चेंज करना है वेक्टर फॉर्म में. तो चलिए वेक्टर फॉर्म में हम चेंज करने के लिए करेंगे क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तीनों चीजें बराबर हैं तो इसको हम ले लेंगे कोफिशिएंट लैम्डा, ये कांस्टेंट लैम्डा के इक्विवेलेंट ले लेंगे. यहां से हम x y z की वैल्यू निकालेंगे. तो x माइनस 2 by 2 इक्वल टू लैम्डा, एक देख लीजिए x माइनस 2 by 2 इक्वल टू लैम्डा. दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 2 y इक्वल टू यहां से आप देख लीजिए 3 लैम्डा माइनस 1 y इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 1 एंड z इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 x y z की वैल्यू आ गई. और जब भी हम इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में चेंज करते हैं तो मैंने बताया है रेडियस वेक्टर r इक्वल टू होता क्या है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की. तो वैल्यू पुट कर दीजिए x की 2 लैम्डा प्लस 2 इंटू आई, y की 3 लैम्डा माइनस 1 इंटू जे प्लस माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 इंटू के. यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साथ ले लेंगे लैम्डा के कोफिशिएंट को एक साथ ले लेंगे. तो 2i माइनस जे प्लस 3k ये हो गया और यहाँ से लैम्डा को हम बाहर निकाल लेंगे. यहाँ क्या मिल गया 2i प्लस 3j एंड माइनस 2 लैम्डा है ना माइनस 2 आर इक्वल टू
तो आपने देखा कि हमने इक्वेशन को निकाला किसमें था, कार्टेशियन फॉर्म में, और उसके बाद हमने वेक्टर फॉर्म में चेंज कर दिया। बड़ा आसान सा तरीका था, किताबों में हम देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, पर कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि किताबें बोलती नहीं है। तो आप हमारे वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए। इस तरह से मैं आगे भी वीडियो लाऊंगी और चैप्टर को जैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।